नमस्कार दोस्तों अक्सर मुझे डिफेंस एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर मैं अगर सी ए पी एफ वेस्टर्न कमांडेंट की भी फॉर्म भरता हूं तो उसमें पेपर टू को कैसे क्वालिफाई करें बिकॉज दैट इज नॉट एम सी क्यू बेस्ड पेपर दैट डे यूजली अपियर फॉर इसमें कन्वेंशनल एंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको एंसर्स लिखनी होती है एंड उसमें नंबर स्कोर uh, करनी होती है सो so इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट वाली पोजीशन है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं विथ दिस गेम चेंजर पेपर ऑफ सीएपीएफ पेपर टू लेट अस डिस्कस इन ग्रेट डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं इनफैक्ट आपको सच बताऊं तो इस पेपर को एक गेम चेंजर के तौर पर मैं बताता हूं बिकॉज अधिकांश लोग जो सीएपीएफ भरते हैं वो सी बैकग्राउंड से आते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेस ठीक है या फिर एस जैसे एग्जाम से भी आते हैं तो डीज पीपल आर नॉट वेरी गुड इन आंसर राइटिंग दे डू नॉट हैव दिस स्किल ऑफ आंसर राइटिंग दे प्रोबेबली लास्ट डेड इन देयर यूनिवर्सिटी या कॉलेज डेज तो अगर आप इस छोटी सी कड़ी को फिल कर देते हो तो आई वुड टेल यू और ये कड़ी जो है ये आंसर राइटिंग है

अगर पता है तो कमेंट सेक्शन बताना बहुत लोग सोचते बट दे इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी तो एक प्रोमोशन में ही मिल जाती है यूपीएससी द्वारा 2022 में कंडक्ट कराई गई थी मैक्सिमम मार्क्स 200 है ठीक है एंड आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि जो क्वेश्चन नंबर वन है आप बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश में आंसर कर सकते हो सो so, हिंदी माध, माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक अच्छी सुखबर है ये ये कि आप लोग हिंदी में भी निबंध लिख सकते हो बहुत लोगों का का एक तरीके डाउट रह जाता है तो मैं आपको खुद से नहीं कह रहा हूं ये गाइडलाइंस यूपीएससी द्वारा जारी की जाती है टोटल छ सवाल होते हैं आपकी इस पर्टिकुलर पेपर में एंड उसमें से क्वेश्चन वन आप हिंदी में लिख सकते हो बाकी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा बिकॉज दे आर मोस्टली टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश आप पूछेंगे सर किस प्रकार के क्वेश्चन तो so, मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस प्रकार से जो टाइप वन की क्वेश्चन है दैट इज एस बेस्ड नंबर वन नंबर टू रिपोर्ट बेस्ड एंड नंबर थ्री आर्ग्यूमेंट राइटिंग बेस्ड सो तीन प्रकार के सब टाइप्स है आपकी टाइप वन पेपर में इसमें ऐसे लिखना होगा रिपोर्ट लिखनी होगी एंड आर्ग्यूमेंट लिखनी होगी आपकी ठीक है फॉर एंड अगेंस्ट कोई भी मुद्दा दे देगा आपको मैं दिखाऊंगा सवाल कैसे आते हैं कैसे लिखना है मैं सारा चीज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं नेक्स्ट इज टोटली नॉलेज ऑफ इंग्लिश यहां पे आपको सीडीएस का जो भी ज्ञान है आपका ठीक है क्योंकि सी में भी सौ नंबर की एक पेपर होती है इंग्लिश उसमें जो भी इंग्लिश सीखा है आपने उसी से सारा इसमें हो जाएगा एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है सीडीएस की तैयारी करते हो उसमें जो भी इंग्लिश तुमने सीखी है उसी से सारा ये टाइप टू क्वेश्चन हो जाएगा टाइप वन में भी कंटेंट आपको सीडीएस की जीके पेपर से ही मिलेगी कंटेंट कंटेंट कुछ नहीं नया सीखना कंटेंट आपको वहीं से मिल जाएगा जो आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में सीखा उसके अलावा एक भी चीज में मैं आपको नया नहीं सिखाऊंगा बट उसको मोल्ड कैसे करना है हाउ टू मोल्ड दैट इनटू अ फॉर्मेट ऑफ एसे इनटू अ फॉर्मेट ऑफ आर्गुमेंट इनटू अ फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट वो मैं सिखाऊंगा आपको अब आसान लग रही है ये जो बड़ा खौफ है जो कि पेपर टू का डेस्क्रिप्टिव पेपर है सर हमसे कैसे होगा हम तो बस टिक मारने के लिए हमें आती ऑलरेडी हम कर चुके हो कुछ पढ़ना ही नहीं है पार्ट वन में भी कुछ नया पढ़ना नहीं है कंटेंट वाइज फॉर्मेट वाइज पढ़नी है कितना समय लगता है यार फॉर्मेट सिखा दूंगा कुछ प्रैक्टिस कर लोगे काम खत्म राइट right? सो so, अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड इन पेपर वन आप नंबर वन इज द फॉर्मेटिंग की बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता जो कि एक दिन का काम है रिपोर्ट का आर्ग्यूमेंट का मैं फॉर्मेट बता दूंगा काम खत्म है कुछ और चैलेंजेस भी होती है कंटेंट का चैलेंज नहीं है रेलिवेंट कंटेंट का चैलेंज है जितनी भी कॉपीज मैंने करेक्ट की है रेलिवेंट कंटेंट डेट इज अग चैलेंज कि भैया आपको सी पढ़ते पढ़ते इतना ज्ञान का महासागर बन जाते हो जो नहीं पूछा जा रहा है वो भी बता रहे हो आप एग्जामिनर को पूछा जा रहा है कि इंडिया चाइना रिलेशन बताओ तो आप उसमें पाकिस्तान घुसेर रहे हो आप बोल रहे हो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है बात तो सही है बट पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है ना तो क्यों लिख रहे हो सो दैट इज अग थिंग दैट यू हैव टू नो हाउ टू सेटिस्फाई द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको कोर डिमांड सेटिस्फाई करना नहीं आता आंसर का एग्जामिनर जब भी कोई सवाल पूछता है उसमें एक भूख होती है और अगर एस्पिरेंट उस भूख को उस प्यास को बुझा दे तो उस आंसर को एक अच्छा आंसर माना जाता है और वही चीज आपको सीखने में समय लगती है थोड़ी सी तीसरी चीज कनेक्टिविटी आंसर राइटिंग में एक बहुत बड़ा चीज होता है कि पैरा वन और पैरा टू ऐसा नहीं होना चाहिए सर्कल्स ऐसी होनी चाहिए इंटरकनेक्टिवनेस शुड बी प्रेवलेंट आप क्या करते हो इसको अलग एंटिटीज बना देते हो दिस इज रॉन्ग ठीक है दिस इज रॉन्ग दिस इज करेक्ट देयर शुड बी अ वेरी गुड सेंस ऑफ कोहेशन बिटवीन द पैराग्राफ्स ये आपको एस एस बी में भी सहायता करेगी वहां पे भी तो लिखना होता है प्रोबेबली यू कैन राइट बेटर विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज राइट सो यह चीज आपको करनी है कनेक्टिविटी फॉर्मेटिंग रेलिवेंट कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कोर डिमांड कनेक्टिविटी एंड लास्टली लास्टली अगर मैं थोड़ा ब्यूटिफिकेशन पे चला जाऊं कि भैया मुझे सर एवरेज नंबर लानी नहीं है मुझे ऑल इंडिया रैंक वन लाना है तो कुछ डेटा कुछ कोटेशंस कुछ स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एग्जांपल्स, आई वुड से महात्मा गांधी की जीवनी या फिर जीवन कथाओं के द्वारा नेल्सन मंडेला की जीवन कथाओं एक्सपीरियंसेस के द्वारा आपने जो टॉपिक पूछा गया उसको रिलेट करके दिखा दिया तो भैया उसको कहते हैं सोने पे सुहागा और वैसा ऐसे ही मैं कैसे लिखता था आपको मैं बताऊंगा अपनी एक्सपीरियंस के द्वारा राइट right? तो चीज आप चैलेंजेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे वंस यू आर डन विद पार्ट आई एम टेलिंग यू सी पेपर टू इज अ केक वर्क एंड दिस इज एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन माई पराक्रम सीरीज विच इज अ फ्री सीरीज इन आवर बाइजूज एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन which i regularly conduct in 6 p.m even today i will have a class at 6 p.m on our application not on youtube on application in order to access that you have to download it from the play store and get a free access to it so join me live for answer writing classes at 6 p.m and now i will show you exactly what kind of questions are expected for you to be written number one is your essay मैंने बताया ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख सकते हो ऐसे या फिर निबंध दोनों में लिख सकते हो इट्स और इसीलिए इसमें हिंदी का अनुवाद भी जोड़ा गया है चार ऐसे लिखनी है आपको ऑप्शन कितना दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ में से सिर्फ चार ही लिखनी है आपको पर ऐसे बीस नंबर है टोटल इस क्वेश्चन में ही अस्सी नंबर आपको लाभ हो सकती है ऐसे की टॉपिक्स देखेंगे तो आपको काफी आसान लगेगी इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस लिख सकते हो यहां पे देखिए चैलेंजेस डेटा का चैलेंज आएगा डू यू नो कब से हमने इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं का एंट्री शुरू किया कब उनको परमानेंट कमीशन प्रदान की कब उनको कॉम्बैट की रोल्स में हमने प्रदान की कौन से सर्विस कौन से फोर्स में कितना वुमेन uh, परसेंटेज है इंडियन आर्मी में कितनी है एयरफोर्स में कितनी है नेवी में कितनी है डैट इज समथिंग डैट विल एनहेंस एंड बूस्ट लेंगे फॉर्मेटिंग एक दिन का काम है यह मैं एक दिन में सिखा दूंगा रेलिवेंस ये भी आप सीख सकते हो विद इन अ मंथ्स टाइम ऑफ प्रैक्टिस कनेक्टिविटी एंड डेटा दिस टेक्स द मेजोरिटी अमाउंट ऑफ टाइम और वही चीज आपको ऐसे में करनी है मैंने रैंडमली कोई भी उठाया किसी भी टॉपिक में आप देख सकते हो इंडियन आर्म फोर्स आ रहे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन तो बहुत ही ओपन एंडेड फिलोसॉफिकल ऐसे है कि इंडियन आर्म फोर्सेज आर्मी नेवी एफ सीएपीएफ इसमें सीएपीएफ को भी एड करना होगा क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इज ऑल्सो आर्म फोर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे आपको एग्जाम्पल्स देनी होगी अगेन बताई थी मैंने एग्जाम्पल्स डेटा समझ रहे हो कोटेशन डाल सकते हो जनरल बिपिन रावत की कहावतें हैं यहाँ पे अनिल चौहान की कहावतें हैं सो डोज थिंग्स इफ यू कैन इंटीग्रेट

कर पाओगे बच्चों वाली सवाल है वीडियो गेम सबने सबको पता है अब अच्छी बातें बताओगे कि शार्पन करता है अगेंस्ट भी बताओगे कि भैया इतने ज्यादा एंडल्स हो रहे कि मम्मी पापा से पापा का पैसा बिना पूछे लगा रहे बिना पूछे पैसा लगा दे रहे प्राइवेसी हैम्पर हो रही है लोगों की अंडरस्टूड मेरे घर के पास ही एक बच्चा था वो पबजी खेलते खेलते उसको हार्ट अटैक आ गया इतने शिद्दत से ले ली उसने गेम को इतना घुस चुका था कि जब वो हारा उसको हार्ट अटैक आ गया उसका स्पॉट डेड हो गया बताने के लिए नहीं बता रहा हूं चौदह साल का बच्चा था राइट सो दीज थिंग्स कैन सेंसिटाइज योर राइटिंग स्किल बता नॉर्मल चीजें सब लोग लिख सकते हैं लॉट ऑफ आर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेंट अफेयर राइट ये चीज कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की जब जब बात आती है तो मैं अपनी चैनल में आपको पोस्ट करता रहता हूं यू कैन टेक अ टेक्रीन शॉट अपडेट जीएस बाई अभिषेक सर सी डी एस एंड जॉइन माई टेलीग्राम आई डी फ्री टेलीग्राम आई डी वेर इन यू गेट ऑल द एग्जाम एग्स पीडीएफ सेशंस एंड डाउट रेजोल्यूशन फ्रॉम मी माइ से मूविंग ऑन वी ऑल्सो हैव टू राइट अ रिपोर्ट ओके टू रिपोर्ट्स इन फैक्ट तो रिपोर्ट की एक फॉर्मेट होती है ठीक है कहाँ पे आपको सेल्यूटेशन डालनी है कहाँ कहाँ पर आपको डेट डालनी है कहाँ पे आपको नेम डालनी है नेम अपनी नेम डालनी है किसी और की नेम डालनी है कहाँ पे कैसे नेम लिखते हैं लोकेशन कैसे लिखते हैं पैराग्राफ्स की सेपरेशन कैसे करती है ये चीज़ एक बार सीख जाओगे आई डोंट बिलीव दैट रिपोर्ट राइटिंग में आपको बीस नंबर जो है इट विल बी वेरी फार फेस्ट यू कैन ईजीली स्कोर दोज नंबर्स वंस यू नो द फॉर्मेटिंग एंड दैट यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट एंड राइट आई होप आपको आसान लग रही ये चीजें एंड जब आप करेंगे अपने हाथों से ये और भी ज्यादा आसान लगेगी इसके बाद एक प्रेसी होती है ये तो बच्चों वाली कहानी है भाई देखो इसमें बताया बताया जाता है कि जो भी जितने भी शब्द दिए गए हैं आपको उसको वन थर्ड में डि मतलब वन थर्ड वर्ड्स में लिखना है प्रेसी राइटिंग पता है आपको शायद ठीक है so, सो जितनी भी शब्द लिखी गई है आप रैंडमली काउंट भी कर सकते हो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व तो आई विल मल्टीप्लाई ट्वेल्व इन टू द नंबर ऑफ रोज दैट आई हैव राइट सो वो अगर मैं कर लूँ तो मेरे को टोटल वर्ड्स मिल जाएगा उसका डिवाइड बाई थ्री कर लूंगा तो लगभग उतने शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको अपनी प्रेसी तो ये पढ़ लोगे एक बार सार समझ जाओगे तो उसको शॉर्ट कर देना देख देख के कर सकते हो ये तो कुछ काम ही नहीं है और उसमें ब्रेकअप भी दिया रहता है तो आई होप आपको आसान लग रही है यह था पार्ट वन और पार्ट टू जो है वो तो सिर्फ सी डी एस का ही एक रिपीटेशन है सीडीएस की सेंटेंस फॉर्मेशन मीनिंग सिनोनिम्स फाइंडिंग द एरर वही वाली क्वेश्चन आती है तो सी ए पी एफ इन इट्स वेरी सेंस इज अ वेरी डूएबल एग्जाम एंड दैट इज वट आई वो आई ट्रीड टू ऑल ऑफ यू एंड इफ यू आर मोटिवेटेड दैट यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम And get a rank equivalent to Captain of Indian Army in the very first posting. Join me on our flagship batch for the short year CAPF 2023 examination. This batch shall start from 21st of March. This batch comprehensively not only covers your written paper 1 plus paper 2, but also. बट ऑल्सो योर मॉक इंटरव्यूज एंड ये ऑफलाइन करेंगे हम दिस इंटरव्यूज विल बी एंड शेल बी कंडक्टेड ऑफलाइन ताकि आपको एक यूपीएससी का रियल फील मिले इसकी इंटरव्यू में डेढ़ सौ नंबर होती है दोस्तों 150 मार्क्स आर एंड दिस इज़ कंडक्टेड इन योर यूपीएससी धोलपुर हाउस आधे घंटे की इंटरव्यू होती है बट वो तैयारी भी हम आपको मुफ्त का कराएंगे एंड रिजल्ट देखो दोस्तों 2022 सन में जो डेढ़ हजार लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है बट रिटर्न जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनमें से डेढ़ लोग इस बैच से थे दो में वो क्यों क्योंकि हम लोग सिलेबस कवरेज पेपर टू को स्पेशल अटेंशन देते हैं राइटिंग स्किल्स को होन करने में एक नेचुरल टाइम लगता है वो नेचुरल टाइम हम उनको देते हैं आप अगर फोर्सिबली एक वीडियो में दो वीडियो में सारा पेपर टू सीखने जाओगे इट विल बी अ वेरी बिग मेस इन साइड वो खिचड़ी बन जाएगी बट इफ यू गिव इट रिक्वायर्स आई बिलीव यू कैन एस इट हैज डन और नीरज नायक डन एंड आई शैल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट क्लास This is the number wherein you can call and join our batches. Know more about it if you have any particular queries. And I will see you in that classes. So, say, uh, so stay tuned. Jai Hind. Hope this video helped you in some manner understanding paper 2. Uh, you can like this video if you uh, appreciate the content that was shared. Subscribe this video to support us for further such videos. And uh, stay uh, tuned and keep studying. Jai Hind. Jai Bharat.